ओम शांति। आज मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। बाबा पूछते हैं, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता, क्यों? बाबा कहते हैं, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाल मृत्यु होती रहती है। बाबा कहते हैं कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, परंतु ये जरूर स्मृति में हो कि हम क्या बनने वाले हैं। देवता बनने वाले हैं, सूर्यवंशी और फिर चंद्रवंशी घराने में जाने वाले हैं, और अभी हम इससे पहले थे शूद्रवंशी। तो इस बात का सदैव हमें नशा रहे कि हम क्या थे और अभी क्या से क्या बनने वाले हैं। बाबा आज हमें वैराग्य दिलाते हैं इस पुरानी दुनिया से, क्योंकि यह है मृत्यु लोक, यहाँ किसकी भी आयु की कोई गारंटी नहीं है। बाबा कहते हैं, हम अमरपुरी में जाते हैं, अर्थात यहाँ पे योग बल से अभी तो हमारी आयु बढ़ती ही है, परंतु सतयुग में अकाले मृत्यु का नाम निशान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र, एकदम एक्यूरेट मनुष्य जन्म होता है, और यथा राजा रानी तथा प्रजा भी ऐसे ही होती है। बाप कितना क्लियर और एक्यूरेट समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। विश्व में पवित्रता, सुख, शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये हमें औरों को भी समझाना है कि आओ यहाँ पर आकर समझो। तो आज बाबा बार बार हमें ये स्मृति दिला रहे हैं कि जितना हो सके अपनी बुद्धि से ये निकालते जाए कि ये शरीर में, ये मैं शरीर को याद करने का जो जो मेरा पार्ट था, या देहधारियों को जो याद कर रही थी, तो बार बार ये स्मृति रहे कि नहीं, अब मैं सतयुगी देवी देवता बनने वाला हूँ, तो मेरा ये जन्म कैसा होना चाहिए, बिल्कुल श्रीमत अनुसार और एक्यूरेट होना चाहिए। अजवा कहते हैं, यहाँ पे कईयों को उबासी भी आती है, अर्थात के थकान महसूस होती है। जो बाबा के योगी और सेवाधारी बच्चे होंगे, बाबा कहते हैं उनको नशा होगा कि हम क्या से क्या बन रहे हैं, हमारा भविष्य 21 जन्मों का खाता जमा कर रहे हैं, तो उनको ना ही कभी उबासी आएगी, ना ही कभी थकान महसूस होगी, ना ही कभी झुटका आएगा। तो हमेशा ये नशा हमारा पक्का हो कि हम स्वर्गिक देवी देवता बनने वाले हैं, तो अभी हमारा एक एक सेकेंड वैल्यूएबल है। धारणा के लिए बाबा पहली पॉइंट देते हैं, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं, स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद से प्यारे नहीं परंतु बेहद के प्यारे।
जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन आपकी दृष्टि आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित सदा सुखी और खुश नसीब है। तो जैसे ही हम बाबा के बन गए, स्वयं भगवान जब हमें मिल गया है तो सर्व प्राप्तियां ऑटोमेटिकली आ गई है, तो हम सदैव हर्षित सुखी और खुश नसीब स्वयं को महसूस करें। चलिए आज के वरदान पर योगाभ्यास करते हैं। स्थित हो जाएं मस्तक के बीच, दिव्य सितारा मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा प्रेम के सागर की संतान मैं, मास्टर प्रेमदाता आत्मा अपने फरिश्ते के चोले के साथ उड़ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। जैसे जैसे मैं ऊपर उड़ रहा हूँ, सर्व के ऊपर परमात्मा से प्राप्त प्रेम की किरणों को बरसाता हुआ उड़ रहा हूँ। सभी का बेहद प्यारा और परमात्मा का बेहद प्यार सभी पे लुटाने वाला, सभी का कल्याण हो, सभी सुख पाए, परमात्मा का प्यार पाए, यही मेरी सभी के लिए बेहद की शुभ भावना है। बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख, बाप दादा से प्यार भरी दृष्टि लेते हुए ब्लॉटिंग पेपर की तरह स्वयं को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ बाबा की प्रेम स्वरूप मूरत को। आहा, कितना निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल प्योर लव है बाप दादा की दृष्टि में। भरपूर कर लें स्वयं को इस निस्वार्थ प्रेम के झरने में। बाबा को दिल से थैंक्स कहे, थैंक यू बाबा, आपने मुझे हद से ऊपर बेहद फरिश्ता बना दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा को थैंक्स करके मैं फरिश्ता परमधाम से पुनः नीचे आता हूँ, इस साकार दुनिया में स्वयं को इस साकार शरीर में अनुभव करते हुए बेहद सुखद अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हुए
निस्वार्थ स्पिरिचुअल प्रेम जो परमात्मा ने मुझे दिया है, उससे भरपूर मैं मास्टर प्रेम स्वरूप आत्मा सभी के लिए कल्याण की भावना रखते हुए सभी के लिए शुभ भावना रखता हूँ। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति।